एक समय की बात है, एक संपन्न राज्य का राजा था जिसको एक बंदर से गहरा लगाव था। उस राजा ने उस बंदर को अपना प्रधान सेवक नियुक्त कर लिया था। अब बंदर हर सभा या किसी भी कार्यक्रम में राजा के साथ जाने लगा, क्योंकि वो राजा का करीबी माना जाता था, इसलिए उसके महल में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। एक बार राज्यसभा से वापस आकर राजा ने भोजन किया और सुस्ताने के लिए अपने शयन कक्ष में लेट गए। वो लेटे तो बंदर उनके सिरहाने खड़ा हो पंखे से उन्हें हवा करने लगा। बस फिर क्या था, राजा को नींद आ गई और वो सो गए। तभी जाने कहां से एक मक्खी उड़ती हुई आई और राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने उसे उड़ा दिया। अभी उड़ाया ही था कि भिनभिनाते हुए फिर से आकर राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने फिर उसे उड़ा दिया। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। मक्खी आती और बंदर उसे भगा देता, पर फिर भी वो आकर बैठ जाती। आखिर बंदर को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ये छोटी सी मक्खी इतने बड़े राजा को चैन से सोने भी नहीं दे रही, क्यों ना इसे मार ही दिया जाए। फिर क्या था, अब बंदर मक्खी को मारने के लिए कोई हथियार ढूंढने लगा। जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो सामने पड़ी राजा की तलवार पर उसकी नजर पड़ी। बस उसने तलवार उठाई और मक्खी के बैठते ही उस पर जोर से वार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा की मौत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख से मित्रता में कोई भलाई नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।